बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई सुल्तान जीब बुनरे और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खपल कारोबार। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मलेशिया ज़बान में कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ अल्फाज सिखाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। हम काफ़ी अरसे बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद वीडियो जल्द अज आपके लिए बना सके ताकि आपको मलेशिया ज़बान सीखने में मदद मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हमारे पास आज का जो पहला लफ्ज़ है जिसे हम उर्दू में कहते हैं ईंट और इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं ब्रेक्स। इसी तरह मलाई में हम इसके लिए यूज़ करते हैं बातू बाता बातू बाता। फिर इसमें अकसाम है, इसको जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है इसको बातू बाता मेरा भी कहा जाता है। हमारे पास जो अगला लफ्ज़ है जिसे मलाई में हम कहते हैं टोंग सांपा टोंग सांपा, और इसको उर्दू में हम कहते हैं कचरा दान कचरा दान, और इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं डस्टबिन। हमारे पास अगला जो लफ्ज़ है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है जिसे हम मेरे ख्याल में उर्दू में इसके लिए यूज़ किया जाता है करंडी पुख्तों के तमंगा करंडे वायु। उर्दू में लफ्ज़ मेरे जहन में अब नहीं आ रहा है कि इसके लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है करंडी। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं ट्रोवेल, और इसी तरह मलाई में हम इसके लिए यूज़ करते हैं कोलर कोलर। लेकिन कोलर के फिर अकसाम है, लेकिन कोलर में भी फिर बहुत से अकसाम है, लेकिन आम तौर पर इसके लिए यूज़ किया जाता है कोलर। हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो है सारोंग तांगन सारोंग तांगन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं दस्ताने, और इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं ग्लव्स। हमारा अगला जो लफ्ज़ है मसीन पेमुंतोंग रामपोत, इसके लिए हम यूज़ करते हैं घास काटने वाला मशीन, वो मशीन जिसे हम घास काटते हैं मलाई में इसके लिए यूज़ किया जाता है मसीन पेमुंतोंग रामपोत। हमारा अगला जो लफ्ज़ है आज की वीडियो का बेकस सीराम, पानी देने वाला जो पुआरा होता है उसके लिए मलाई में यूज़ किया जाता है बिकस सीराम। हमारा अगला जो लफ्ज़ है आज की वीडियो का सीढ़ी सीढ़ी के लिए इंग्लिश में यूज़ किया जाता है लेडर या स्टेप लेडर, और इसी तरह हम मलाई में इसके लिए यूज़ करते हैं तंग लंका, और ज़्यादातर तंगह भी यूज़ किया जाता है। हमारा जो आज का वीडियो का जो आखिरी लफ्ज़ है सीमेंट सीमेंट इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन मलाई इसके लिए यूज़ करते हैं सीमेंट सीमेंट, और उर्दू में हम इसके लिए यूज़ करते हैं सीमेंट। हमने प्लग आगे पीछे लगाया है लेकिन इसके लिए हम माजत हुआ है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।